इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। बेलगाम शहर और अतराफ के साथ मुल्क भर में आज क्या हुआ, मुख्तसर खबरों की तरफ तवज्जो करते हैं। किसानों का एहतजाज आज भी जारी है। बेलगाम शहर में आज किसानों की जानिब से एहतजाज करते हुए किसान मुखालिफ बिल को वापस लेने की मांग की। बेलगाम सुवर्ण सौद के सामने किसानों ने एहतजाज किया तो पुलिस वालों ने एहतजाजियों को अंदर जाने से रोक दिया, लिहाजा सड़क पर ही बैठकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी फरमाई। उधर मरकजी हुकूमत किसान लीडरों के दरमियान इख्तलाफात को पैदा करके किसानों की ताकत को तोड़ने की कोशिश करने का इल्ज़ाम भी मुखालिफ पार्टियों की जानिब से लगाया जा रहा। वही कांग्रेस कैद मोहतरमा अलका लंबा ने तो भाजपा और मोदी हुकूमत के आखिरी सांसें लेने का वक्त आ गया है और ये किसानों का एहतजाज भाजपा हुकूमत के जनाजे की कील ठहरेगा, ऐसा भी कहा कि किसानों को अंधभक्त देशद्रोही ठहरा रहे हैं, लिहाजा मुल्क के तमाम शहरियों को समझने का वक्त आ गया है। अलका लामा ने भाजपा सदर जेपी नड्डा के बंगाल दौरे पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सब याद रखा जाएगा जब देश का अन्नदाता ठंड में खुले में सड़कों पर दिल्ली की दहलीज पर बैठा था, तब सब संगी भाजपा ही नेता दिल्ली छोड़कर बंगाल में अपने वोटों के लिए नफरत का सियासी खेल खेलने में लगे हुए थे और उसी खतरनाक खेल में वो मसरूफ थे। इन्हें देश और देशवासियों की परेशानियों मसाइल मुश्किलों से कोई लेना देना नहीं है। इनकलाब आने वाला है, सत्ता के दलालों को संभलना होगा, ऐसा भी कहा। वहीं भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने कहा अब हुकूमत बदलने वाली है और जुल्म का बदला चुन चुन कर लिया जाएगा। आजाद समाज पार्टी के सुप्रीम चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देश भर में दलितों का कत्ल आम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दलित ने खाना छुआ तो बेरहमी से पीट पीट कर लिंचिंग करके उसकी हत्या कर दी गई। भारत में जातिवाद एक ऐसी बीमारी है जहां गाय पवित्र है लेकिन इंसान नहीं, इसका खात्मा जरूरी है। सरकार बदलेगी और हम एक एक जुल्म को याद रखेंगे। चंद्रशेखर ने ये बातें इसलिए कही क्योंकि मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दलित नौजवान को एक इजलास में खाना छूने की वजह से ऊंची जाति के गिरोह ने इतना पीटा कि उसकी जान ही चली गई। खैर, मरकजी हुकूमत के खिलाफ कर्नाटक में भी कई जगहों पर किसानों ने एहतजाज किया। दूसरी तरफ आज पीस पार्टी के शादाब चौहान ने भारत में मुसलमानों पर, मुस्लिम कायदों पर और मुस्लिम तंजीमों पर जुल्म ज्यादती की रकम होती तारीख का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी से सवाल किए कि पिछले फरवरी से समाजवादी पार्टी के कद्दावर कायद आजम खान अपने पूरे खानदान के साथ जेल में बंद है। तकरीबन 80 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए और इन्हीं के पार्टी के जिम्मेदार सदर खामोश बैठे। क्या मुलायम सिंह यादव पर इसी तरह के मुकदमे दर्ज किए जाते तो क्या अखिलेश यादव इसी तरह खामोश रहते? क्या इस कायद की आज़ादी के लिए या रिहाई के लिए कोई एहतजाज किया जाएगा, ऐसा सवाल भी पूछा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को खड़ा करने वाले के लिए ही पार्टी खड़ी नहीं होती तो फिर मुसलमानों के हुकूक के लिए यह पार्टी क्या खड़ी होगी। पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अयूब ने कहा कि मुस्लिम कायद की कीमत सिर्फ वोट दिलाने वाला एजेंट और मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक की तरह रह गए। आखिर अखिलेश यादव के साथ तमाम सेक्युलर लीडरों का आजम खान की गिरफ्तारी पर खामोश होना अफसोसनाक कहा है। तमाम बातों के मद्देनजर मुसलमानों का सेक्युलर पार्टियों से भरोसा उड़ चुका है, पर क्या अगर मुसलमान अपनी अलग सियासी पार्टी बनाकर मुल्क में बच पाएंगे? क्या भाजपा और संगी यही चाहते हैं कि मुसलमान किसी एक मुस्लिम पार्टी के जेर मातहत अपना कायद तलाश करें? और भी कई सवाल भारत के मुसलमानों पर खड़े किए जा रहे हैं, जिस पर कई इल्मी दानिश्वरों का कहना है कि भारत में पूरी तरह से जमहूरियत अभी भी खत्म नहीं हुआ है। भले भाजपा, संघ, हिंदुत्व की तंजीमें या खुद मोदी शाह योगी किसी तरह से मुस्लिम मुखालिफ कानूनों को नाफिज कर सियासी मुफाद हासिल कर रहे होंगे, पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा या गंगा जमुनी तहजीब की जड़ें भारत की तहजीब में गहराई तक हैं। इसे पूरी तरह से खत्म करना मुमकिन नहीं है, वक्ती तौर पर कामयाबी नजर आ रही है, पर जल्द इस मुल्क में एक बार फिर जमहूरियत, सेक्युलरिज्म, भाईचारा की फिजाएं आम होंगी। जल्दबाजी में मुसलमान अपने आप को अलग करने की कोशिश ना करें। हालात जरूर आए और आने वाले 2 साल शायद और भी सख्त होंगे। यकीनन कांग्रेस पार्टी के साथ तमाम सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल किया है।
और मुस्लिम कायद सिर्फ वोट बैंक के एजेंट बने रहे, कभी मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज नहीं उठाई और ना ही मुसलमानों के हक के लिए लड़े। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह से अपने आप को अलग करके मुस्लिम पार्टी के मातहत चले, इससे और भी बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसा इल्मी दानिशवरों का कहना है। बेलगाम जिला में पंचायत चुनाव का माहौल गर्माता जा रहा है। इसी महीना आखिर में पंचायत चुनाव होंगे, लिहाजा मुख्तलिफ पंचायतों के उम्मीदवार अपनी अर्जी दाखिल करने के लिए बेलगाम शहर की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही शराब कबाब की पार्टियों भी जोरों पर है। ये बात उतनी ही सच है कि खाली खटाखट लोगों के लिए कुछ ही दिनों के लिए क्यों ना सही, पर काम तो हाथ लग गया और साथ में पार्टियों का लुत्फ भी उठाने का सुनहरा मौका हाथ लगा हुआ है। ग्राम पंचायत किसी हाल में जीतने का नशा और पार्टी का नशा, ऐसा दोहरे नशे में उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। अपने कागजात को मुकम्मल करने के लिए जराक्स दुकानों में काफी भीड़ दिखाई दे रही। डीसी कंपाउंड, कोर्ट कंपाउंड में लोगों की भीड़, खंजर गली की तरफ कचहरी गली में लोगों की भीड़, साथ में ट्रैफिक जाम का भी नजारा हर तरफ दिखाई दे रहा। खंजर गली कचहरी रोड पर तो पैदल चलना भी मुश्किल होता नजर आ, बढ़ती भीड़ को लेकर आवाम को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और इत्तला के मुताबिक चुनाव अफसरान भी शराब शबाब की पार्टियों में शिरकत होने की सनसनीखेज खबर भी हासिल हो रही। चुनाव सियासत अब पैसों के बलबूते पर ही जीते जाते हैं, ऐसा भी तसव्वुर किया जा रहा है। हमने कुछ लोगों से राब्ता करने की कोशिश की। आवाम का कहना है कि बड़े बड़े पेट वाले बुजुर्ग लीडरान पर गहरी नजर रखनी चाहिए, खासकर साबिक पंचायत मेंबरान की नींद फिलहाल हराम हो चुकी है। दूसरों की चाय पीने वाला भी बड़ा दानवीर दानचोर बनकर खर्च करने की बात कर रहा है। जो भी हो, पर पंचायत चुनाव में अफसरान की शिरकत फिक्र में इजाफा करने वाली है। जाब्ते अखलाक के अफसरान यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट के अफसरान इस पर तवज्जो देकर कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। अगर अफसरान ही अपने अखलाक गिरवी रखकर इस तरह का मुजाहरा करने लगे तो नए उम्मीदवार क्या करेंगे, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। दो खतरनाक चोरों को पुलिस और गांव वालों ने झाड़ शाहपुर के नजदीक पकड़ लिया। दोनों साथी मुजरिम होने की भी खबर हासिल हुई है। प्रकाश विनायक पाटिल मकामी शाहपुर बेलगाम का पर अब गोवा में रिहायश पसीरे, दूसरा निथाई कालीपद मंडल पश्चिम बंगाल का है। ग्रामीण पुलिस अफसरान ने इन्हें अदालत में पेश किया और जेल भी रवाना किया। तहकीक में कई सारे जुर्म अंजाम देने की बात भी वाजह हुई है। इस दौरान एक अहम बात ये भी नजर आई कि किस तरह हर जगह पर हिंदू मुस्लिम करने की जहनियत बनी हुई है, इसकी मिसाल भी इसे कह सकते हैं। इनकी गिरफ्तारी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। झाड़शाहपुर के गाँव में चोरी कर जब दोनों चोर खेत में से जा रहे थे तो इनका पीछा करते हुए गांव वालों ने इन्हें पकड़ लिया, पर वीडियो में ये भी कहते हुए एक खातून को देखा गया कि ये मुसलमान है। कहने का मतलब ये है कि किस तरह का जहन बनाने में फिरका परस्त पार्टियां या फिरका परस्त तंजीमें कामयाब हुई है, इसकी एक बेहतरीन मिसाल कह सकते हैं। देहात तक भी ये जहर फैल चुका है, यही से कहा जा सकता है। पिछले महीने से स्पाइस जेट ने सुबह की बेंगलोर फ्लाइट को रद्द करने का फैसला लिया था, जिससे आवाम में खासी नाराजगी देखी जा रही थी। बेलगाम वैसे भी भारत में मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में से एक है। बेलगाम शहर से हवाई जहाज से सफर करने वालों की तादाद रियासत के दिगर शहरों से ज्यादा है, लिहाजा बेलगाम बेंगलोर के लिए हमेशा मुसाफिरों की तादाद काफी होती है। पर अब स्टार एयर की जानिब से 18 दिसंबर से सुबह का सफर फिर से शुरू किया जाएगा। बेलगाम बेंगलोर बेलगाम के लिए फिर से बुकिंग शुरू हुआ है, जिससे आवाम में इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। पहले भी स्टार एयर की जानिब से हवाई सफर के खिदमात अंजाम दिए जा रहे थे, पर पिछले कुछ महीनों से रोक दिया गया था, जिससे बेंगलोर बेलगाम के मुसाफिरों को काफी दिक्कत परेशानी उठानी पड़ रही थी। अहम बात यह भी है कि जब से सुवर्ण सौद में सरकारी दफ्तरों को मुंतकिल किया गया है, बेंगलोर से बेलगाम सरकारी अफसरान कामों को अंजाम देने के लिए आते जाते रहते हैं। इन्हें यही सफर काफी आसान भी रहता है, लिहाजा 18 दिसंबर से सुबह बेलगाम से 8:55 पर बेंगलोर के लिए रवाना होगा और 10 बेंगलोर पहुंचेगा और बेंगलोर से बेलगाम की तरफ 10:30 निकलकर 11:30 बेलगाम हवाई अड्डे पर पहुंचेगा, ऐसी इत्तला हासिल हुई है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।